हिमाचल में ट्रैफिक की बहुत बड़ी संभावना है और ट्रैफिक की संभावना है तो हिमाचल प्रदेश में हर चीज जो हमारे पास ऐसी है जिसके माध्यम से हम चाहे वो हम जीव जंतु को जो हम आकर्षित कर सके, चाहे हम जो है पूरे देश और दुनिया के जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं अपने सौंदर्य जो प्राकृतिक सौंदर्य उसके माध्यम से आकर्षित कर सके, ये अवसर हमको कहीं नहीं छोड़ना चाहिए जिसके माध्यम से जो अच्छी चीज हमारे पास है वो हमारे पास सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरी देश और दुनिया को हमने दिखाना है। और इस बात को लेकर के मुझे इस बात की खुशी है कि पौंग डैम में इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत एक अच्छा एक सफल आयोजन एक प्रयोजन जो है वो आज के इस अवसर पर किया गया है। और आने वाले समय में मैं ये मानता हूं कि ये हमारा दसवीं कार्यक्रम ना हो, सिर्फ एक दिन के लिए हमने ये कार्यक्रम किया और उसके बाद हम इस कार्यक्रम के बाद अपने इसमें चले जाएं तो हमारा ये नैतिक दायित्व है। हम इस बात से भी सहमत हैं कि बहुत देश विदेश से जब पक्षी आते हैं थोड़ा किसानों को भी कुछ जगह थोड़ी बहुत परेशानी होती है, मैंने इस बात को भी हमारे पास जानकारी है कि किसान भी, लेकिन हमको संतुलन बनाना आखिर इंसान किसान उनका भी संरक्षण करना है और उसके साथ साथ में जो हमारे जीव जंतु जो बहुत दूर दूर से आते हैं उनका भी संरक्षण करना है, ये बहुत लाजमी है। और उसके साथ साथ में मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि व्यक्तिगत ऐसे जो हमारे पास इस प्रकार के ये जो है स्थान है इसके माध्यम से हम जो है जहां पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं उसके साथ साथ में हम जो है जो हमारे इलाका है हम क्षेत्र है और उस क्षेत्र को जो है जो प्राकृतिक जो सारी घटनाएं आज के इस दौर में घटित हो रही है उन सारी चीजों का संरक्षण करने में भी हम इसमें जो है उसमें जो हम सफल हो सकते हैं उस दृष्टि से भी इसका बहुत